नमस्ते दोस्तों मेरा नाम पीयूष आप देख रहे दे हैं क्वेश्चन आर भारत आ, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि इतने बड़े ऑथर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल स्टेज पे एक तरीके से इतना नाम है इतनी बढ़िया बढ़िया किताबें लिखी हैं जिन पर पिक्चरें बन चुकी हैं चेतन भगत जो कि एक ऐसे लेफ्टिस्ट से जो सो कॉल्ड लिबरल भी है कम्युनिस्ट भी है सेकुलर भी है एंटी इंडिया एंटी मोदी एंटी बीजेपी एंटी हिंदू सब सारे व्यूज रखता है उसको चेतन भगत जी क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अच्छा चलिए आप सुन लीजिए ऐसा सोचा था क्या देश जब देश बनाया था महात्मा गांधी ने फिर वही जवाब बोल रहा है दे देंगे दे दे गिर जाओ अच्छा महात्मा गांधी ने ये देश बनाया कब महात्मा गांधी ने देश कब बनाया सिर्फ गांधी बोल देते अगर आपको इतना ही आपको आ, कम नॉलेज है सिर्फ गांधी बोल देते क्योंकि तो उसके बाद गांधी परिवार गांधी पॉलिटिक्स कांग्रेस गांधी यही सब तो चलता आ रहा है महात्मा गांधी अच्छा चलो ठीक है महात्मा गांधी चलिए आगे थोड़ा और सुनिए ऐसा सोचा था क्या देश जब देश बनाया था महात्मा गांधी ने तो ऐसा सोचा था कि हम सब एक दूसरे को बताते रहेंगे कि हम तुमसे बेटर है हम तुमसे अलग है उन्होंने तो नहीं किया ना उन्होंने देख, कितना देखा जाए तो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया था इतने सारे 500 राजे महाराजे थे उनको कंबाइन किया उसके भाई 20 25 30 जितने भी अभी स्टेट बनाए तो महात्मा गांधी ने 500 से ज्यादा राज्यों को इकट्ठा किया और एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाया पटेल साहब क्या कर रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी ही बन गई सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं है अरे ये ये जो बगल में आपको दिख रहा था सर नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम छोड़ो तो ये जो व्यक्ति है जिससे चेतन भगत बात कर रहे हैं कैसे नखरे दिखा करा ट्रू जैसे मतलब इसको खुद पता है कि अगला कितना झूठ बोल रहा है समझ में आ रहा है ये खुद सोच रहा हूँ अरे यार पूरी कांग्रेस फैमिली को एक जगह सिर्फ गांधी बोल के महात्मा गांधी बोल के झुठला दिया हम पूरे कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस परिवार को मैं हर जगह इतना अपीस करता हूँ इतना अप्रिशिएट करता हूँ इतना प्रो कांग्रेस रहता हूँ ये सिर्फ महात्मा गांधी सारा क्रेडिट ले गया द थिंग इज इग्नोरेंस देखिए ये लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनते हैं और जब सोशल मीडिया पे बातें करते हैं तो ऐसी कम दिमाग वाली बातें करते हैं और ऐसी इलिटरेसी फैलाते हैं और ये जो बगल में बैठा है इसका मैं नाम बार बार भूल रहा हूँ खैर अच्छी बात है इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस देनी भी नहीं चाहिए चेतन भगत को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चेतन भगत की थोड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं इस गधे की बिल्कुल नहीं कर हाँ आकाश बैनर्जी शायद आकाश बैनर्जी ये जानते हुए भी कि चेतन भगत झूठ बोल रहा है ये हर बात को एग्री करना चुप करके सुन जाना क्योंकि एक नेगेटिव फैलाना है भाई एक कोई फालतू का आदमी बुद्धि दे रहा हो तो आपको जलील कर देंगे मीम बन तो। लेकिन मीम तो बनना चाहिए। ऐसे लोगों पर मीम बनना चाहिए इनका जो इंटेलेक्चुअल वाला करेक्टर है ये तो एक्सपोज होना चाहिए उसी में लड़े जा रहे हैं कि मैं बेटर हूं मैं ये हूँ कभी तो ब्राह्मण दलित हो रहा है कभी नॉर्थ साउथ हो रहा है कभी हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो हम ये करते रहेंगे तो और अंकल आंटी करें जैसा फिर पार्क में बैठ के अंकल आंटी करें चलो ठीक है उनको नहीं पर आज की जनरेशन जब ये करती है तो मुझे बहुत दुख होता है यंग बच्चे जब ये करते हैं क्योंकि मुझे तो तुम कहां जा रहे हो यार अपने ही ऐसे लग रहा है कि जैसे एक आग है बीच में देश में आग लगी हुई है और उस आग को बुझाने के लिए उसमें बाल्टी डालने की जगह लोग कह रहे हैं अरे क्या आग है यार और परवाने की तरह लोग उसमें दौड़ के भाग रहे हैं अंदर चलो और केरोसिन डाल देते हैं इसको तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अंकल आंटी करें चलो ठीक लेकिन जो यंग जनरेशन है वो क्या कर रही है वो हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित सब कर रही है हमें किससे बोल लो भाई जो तुम्हारे सामने जो तुम्हारे बगल में बैठा है दिन भर वो करता रहता है हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण दलित दलित के साथ गलत हो गया ब्राह्मण ने गलत कर दिया हिंदू अत्याचार कर रहा मुसलमानों को परेशान कर रहा मैंने और देश में खतरे में सर आप उसी को कह रहे हैं उसी के सामने उसके दिमाग में चल रहा होगा उसके दिमाग में एक चेहरा आ गया होगा आकाश बनर्जी कुणाल कामरा ध्रुव राठी ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होंगी वो कौन सा यूथ है वो यही वो लोग हैं यही वो यूथ है जो समाज को लड़ाने का काम कर रहा है कुछ भी कहीं क्राइम होता है तो एक पार्शियल सेलेक्टिव नज़रिया आपको सेलेक्टिव सेक्ुलरिज्म सेलेक्टिव लिबरलिज्म दिखाना है है ना कॉन्स्टिट्यूशन भी तभी बचाना है जब आपको लग रहा हो कि खतरे में है जनरली खतरे में होगा तो आपको नहीं बचाना है समझ में आ रहा है आपको आप अगेंस चला जाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी टोंट मार देंगे उस वहाँ भी कंटेम्प्ट कर देंगे कोर्ट का अगर आपको नोटिस भी आता है तो आप उसको भी इंसल्ट कर देंगे कि माफ़ी माफिया नहीं मांगने वाले है। ऐसे हैं इनके लिबरल यूथ और सोशल सेकुलर डेमोक्रेटिक लेफ्ट कम्युनिस्ट जितने भी हैं लोग लेकिन वीडियो के थ्रू पोर्ट्रेट ये करने की कोशिश की जा रही है ये जो दोनों महान लोग बैठे हैं ये समाज को सुधारने के लिए बैठे हैं और इनकी नजर में आज का यूथ आज की जनरेशन बिगड़ रही है तो सर मत करिए ऐसा काम प्लीज अगर चेतन भगत और आकाश बैनर्जी देख रहे हैं तो आकाश बनर्जी ने तो अपनी अपनी खुद की धजिया उड़ा दी है क्योंकि हर न्यूज का एनालिसिस करना इतना ज्ञान रखते हुए भी चेतन भगत की बात का काउंटर ना करना इसने खुद दिखा दिया कि खुद कितना बड़ा पाखंड आदमी है कितना बड़ा हिपोक्रेट आदमी है भाई तुम्हें तो पता था अगर चेतन भगत ने गलती से फ्लो में बोल दिया कि गांधी ने देश बनाया है और गांधी ने रियासतों को जोड़ा है और गांधी ने सारी एकता फेडरल स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो पटेल साहब अम्बेडकर ये लोग तो कुछ नहीं थे ना इनकी तो अहमियत ही ख़त्म कर दी क्यों शास्त्री जी अटल जी इन लोगों ने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं ए पी अब्दुल कलाम साहब इन लोगों ने तो देश के लिए कुछ किया ही नहीं सिर्फ गांधी परिवार तक और कांग्रेस तक सीमित रहना है यार चलो अगर कांग्रेस तक भी दायरा था तो यार पटेल साहब को काउंट तो करते इतनी हिपोक्रेसी ले कर कहाँ जाओगे खैर मैं चाहता हूँ जनता अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं इस वीडियो को शेयर करें अपनी जिस कैपेसिटी में आप शेयर कर सकते हैं इनके मुंह पे मारिए टैग कर करके और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और इनको जहाँ जहाँ आपको लगे कि इनका फालतू का नेरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको निकालिए उस क्लिप को निकालिए वायरल करिए मुझ तक पहुँचाइए इस पर बात करेंगे और इन लोगों को पकड़ पकड़ के एक्सपोज करना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम